डर व्यूअर्स आज की वीडियो पेज नंबर सेवेंटी एट ग्रेड थ्री पर मबनी है इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर एट यूजिंग सेविंग रिसोर्स लर्निंग आउटकम्स तलीमी महासलात आफ्टर कम्प्लीटिंग दिस यूनिट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू प्री रीडिंग प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज टू प्रडिक्ट कंटेंट vocabulary of text from picture as the title by using prior knowledge apply critical thinking to interact with text using intensive reading strategies to predict what follows in the text using context and prior knowledge recognize and pronounce the weak form of do and have in contractions. Recognize, articulate, and use some formulic expressions to express needs and feelings. Illustrate use the different forms of the verb be, doing, have along with their negative forms with their corresponding pronouns I, we, you, they.

और डज वगैरह का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा और इसमें हम तस्वीर को देखकर कर कैसे कर सकते हैं कि तस्वीर में क्या हो रहा है और तस्वीर से देखकर ही हम इसको टाइटल देंगे इसके अलावा हम ये देखेंगे कि इसमें आई वी यूदे का इस्तेमाल हमें बताया जा रहा है और नेगेटिव फॉर्म्स ऑफ टेंस की भी इसमें सिखाई जाएगी तो पिक्चर को देख के हम इसको टाइटल देख सकते हैं कि दरख्त काटे जा रहे हैं मतलब ये है कि इसका टाइटल दिया गया है सेविंग रिसोर्स ज़रा को बचाना वसाइल को बचाना तो पिक्चर को देख कर ही हम इसको कह सकते हैं सेविंग रिसोर्स इसका टॉपिक दिया गया है कि अपने वसायल को बचाइए अगर हम पेज नंबर एटी की बात करते हैं एटी पर सबक को शुरू किया जा रहा है गेटिंग स्टार्टेड शुरू करना शुरू करते हैं लुक एट द गि पिक्चर्स तस्वीरों को देखिए एंड डिस्कस द नेचुरल रिसोर्स और कुदरती ज़राए को बयान करें उन पर बहस व तो तमहज करें एयर वाटर एंड लैंड लेट्स टाक आओ बात करते हैं रीड एंड प्रैक्टिस द गिन डायलाग दिए गए डाइलॉग को पढ़ें और प्रैक्टिस करें हिना असल शहला हिना कहती है शहला असलम शहला वाहकुम् असल हाउ आर यू शैला कहती है वाहकुम असल आप कैसी हैं हिना कहती है आई एम फाइन एंड हाउ आर यू मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप कैसी हैं शैला गुड इट इज़ वेरी हॉट टुडे शैला कहती है बिल्कुल ठीक हूँ आज बहुत गर्मी है हिना येस इट हैज़ एन टन फॉर लास्ट फ्यू डेज बारिश नहीं हुई कई दिनों से शैला इट इज़ क्लाउडी टूडे आज Uh, बादल हैं इट माइट रेन बारिश हो सकती है हिना यस इट विल बी कूल देन जी हाँ फिर सर्दी फिर मौसम ठंडा हो जाएगा शैला देअ गोज़ द बेल घंटी बजती है लेट्स गो फॉर द मॉर्निंग असम्बली आए सुबह के असम्बली के लिए चलते हैं मॉर्निंग में सुबह दे बोथ रन टू जॉइन दे क्लास द मॉर्निंग असम्बली वो दोनों अपनी क्लास के साथ मिलने के लिए असम्बली में जाने के सुबह के असम्बली में शामिल होने के लिए दौड़ती हैं तो ये पेज नंबर एटी को हमने देखा कि ये यूनिट नंबर एट को पहले रिसोर्स हमें बताए गए सेविंग uh, रिसोर्स का नाम है इसमें लर्निंग आउटकम्स में प्रेजेंट टेंस में आई वी यू दे और ही शी इट को किस तरह से इस्तेमाल करना है इस सबक में ये आएगा इसके अलावा ये भी बताया गया है कि नेगेटिव फॉर्म यानी डू नाट और डज नाट का इस्तेमाल भी आएगा मेन इसका जो थीम इस लेसन का है कि तस्वीर को देख कर आप टॉपिक तलाश करें और तस्वीरों को देख कर ही आप जुमले बनाएँ और टेंस भी सीखें पहली तस्वीर में अगर हम गौर करते हैं तो देखें हमें दरख्त नज़र आ रहे हैं साफ पता चलता है कि दरख्त हमें साफ़ और शफाफ और ऑक्सीजन से भरपूर हवा मुहैया करते हैं उस तो तस्वीर में बादल बर्फ़ और पानी नज़र आ रहा है इसमें वाटर का नेम दिया गया है कि वाटर जो है वो बादलों से हमें बारिश की शक्ल में और बर्फ़ की शक्ल में मिलता है जिस तो तस्वीर में लैंड है लैंड पर खुश्की होती है तो सूरज चमक रहा है तो इस तरह से हम इनको नेम दे सकते हैं और तस्वीरों से देख कर नाम देना उनका टाइटल देना यकीन अपने आप एक वाकई एक थ्रिलिंग वर्क है तो टीचिंग के अंदर तस्वीरें दिखाकर बच्चों को इस काबिल बनाना चाहिए और बच्चों को चाहिए कि तस्वीर को देख कर टाइटल तलाश करने में कोशिश करें बारहा जब कोशिश करेंगे तस्वीर के नाम देंगे तो इन वो बहुत आसानी से वो ये काम कर पाएंगे और पिक्चर्स को देखकर टाइटल दे सकेंगे सेविंग रिसोर्स को हम ये कह सकते हैं कि कटिंग डाउन द ट्रीज़ या ट्रीज़ लॉस या ट्रीज़ आर वेरी इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ ट्रीज़ शुड बी प्रोटेक्ट इस तरह से कई नाम हम दे सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अल्लाह हाफिज़